ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान और उसमें हम श्लोक संख्या 29 समझने का प्रयास कर रहे हैं। और संडे था तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भूल गए होंगे या बीच में गैप पड़ जाता है, तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जो लोग पढ़ के आए हैं बहुत अच्छी बात है। तो हम समझ रहे हैं यज्ञ के बारे में, अलग अलग प्रकार के यज्ञ। लास्ट हमने समझा था ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय, ये हमने समझा था। और इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति इनको अभ्यास करता है तो प्रबुद्ध होता है। फिर हमने देखा कि इन सभी यज्ञों के माध्यम से भी हम जो हैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो एकमात्र यज्ञ है वो है कृष्ण भावना भावित होना, उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। ये सारे के सारे यज्ञ, दान करना, अध्ययन करना, तपस्या करना, कर्म करना, इन सब का उपयोग अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो सब अच्छा है और वो हमें मुक्ति की तरफ लेके जाता है। आज 29 नंबर के श्लोक से हम समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं थोड़ा सा आपको याद आ गया है क्या टॉपिक चल रहा है। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे पाना तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायम परायणः अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेश जुवति। जैसा कि आप जानते हैं यज्ञ अर्थात त्याग करना, अर्पण करना, उसी से संबंधित चर्चा चल रही है। और यहां पर जुवति शब्द दो बार आया है तो देख पा रहे हैं अपाने जुवति, जुवति मतलब अर्पण करना। लास्ट में भी आया प्राणा प्राणेश जुवति, तो वो भी जुवति अर्थात अर्पण करना है। आप में से श्लोक का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। यस प्रतिभा शर्मा जी, श्लोक का उच्चारण कीजिए। अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणा प्राणा पान गति रुद्वा प्राणायाम परायनः यनः अपरे नियता हारः प्राणम पर प्राणेशु जुहवति। यस बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा। शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। वैसे ये श्लोक जो है वो भक्ति योगियों का अभ्यास का नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने की जितना समझ सकते हैं। और ये हमारे प्रैक्टिस के लिए नहीं है कि हमें इसको प्रतिदिन किसी भी रूप में प्रैक्टिस करना है। श्लोक संख्या 29 का शब्दार्थ अपाने निम्न गानी वायु। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, कौन सा श्लोक था वो? श्लोक संख्या 27 के अंदर 27 में पढ़ा था अपाने मतलब निम्न गामी, जो नीचे की तरफ वायु जाती है। जुवती अर्पित करते हैं प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्न गामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निम्न गामी वायु, गति ही गति को, रुद्वा रोक कर प्राण आयाम श्वास रोक कर समाधि में, परायणाः प्रवर्तः अपरे अन्य नियता संयमित अल्प आहार खाकर प्राणान प्राणों को, प्राणेशु प्राणों में जुवती हवन करते हैं, अर्पित करते हैं।
तो इसमें हम एक शब्द तो जो कॉमन है जुवती, और दूसरा है रुद्वा। रुद्वा मतलब रोक कर। तो रोकने से क्या मतलब है उसको हम अनुवाद के माध्यम से समझेंगे। जनरली आपने देखा भी होगा प्राणायाम, जो आपने कभी अभ्यास किया होगा, तो ऐसे क्या करते हैं, एक नाक से लेते हैं, फिर थोड़ी देर रोक देते हैं, फिर निकालते हैं। हाँ जी अनुलोम विलोम प्रभु जी अनुलोम विलोम। यस स्वाति जी क्या कह रहे हैं? जी, रुद्वा का इंग्लिश में चेकिंग लिखा है। चेकिंग, चेकिंग होता है, हाँ तो चेक करना मतलब रोकना। ये चेक करना मतलब वो चेकिंग नहीं है जो चेक ओके ओके करना। हाँ चेक पोस्ट होता है ना, चेक पोस्ट पे रोकते हैं एक बार। हाँ ओके ओके तो अन्य लोग, अब अनुवाद धरेंगे, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अन्य लोग, आप में से जो भी इस योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में अच्छे से जानता है, वो थोड़ा सा मदद कीजिएगा आज के श्लोक में। आज मैं थोड़ा सा इसमें कमजोर हूं, आज थोड़ा मदद कीजिएगा। अन्य लोग भी हैं, दोहराइए, रिपीट कीजिए, जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। ठीक है, तो ये अनुवाद है। वैसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, फिर भी सरल पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो मूल जो हमें समझना है अपने जीवन में, वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहला कहा गया है, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए क्या करते हैं, श्वास रोकते हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा ज्ञान, तप, दान और योग, इनके द्वारा लोग समाधि में रहने की कोशिश करते हैं। अब जो है कुछ ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम क्या है, श्वास लेना श्वास छोड़ना, इससे संबंधित है। और पांच प्रकार की वायु जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में घूमती रहती है। कौन कौन सी थी, अपान, प्राण उड़ान, वायु, प्राण वायु, उपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। यस, तो ये सारी वायु हैं जो शरीर में रहती है, पंच वायु। अब कुछ बातें इससे संबंधित तात्पर्य में हम समझेंगे और आप समझ पाएंगे। मूल जो इस श्लोक में दो बातें कही गई है मूल रूप से, ठीक है। पहला है वायु को रोकना, वायु को रोकना। और दूसरा जो है वो ये कहा गया है संयमित रूप से भोजन करना, संयमित भोजन करना। ये अष्टांग योग प्रणाली का भाग है। हरे कृष्ण। आइए अब तात्पर्य के माध्यम से समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। श्वास को रोकने की विधि, रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। श्वास को रोकने की विधि को प्राणायाम कहते हैं, योग विधि को, ठीक है। तो इसको प्राणायाम कहा गया। इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कल हमने समझा था, उसमें से बताइए प्राणायाम के माध्यम से क्या हो सकता है। हमने कॉलम्स बनवाए थे, बताइए बताइए बताइए। यस, कोई नहीं, इतना तो लिखवाया था। प्राण वायु बचा के अपनी हेल्थ हीलिंग कर सकते हैं शरीर की। तो जो प्राण वायु व्यस्त हैं शरीर में भोजन पचाने के लिए, उसको जो है आप वहां से फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो इस बात को हमने समझा था, हमेशा ये प्राण वायु इंद्रिया की तरफ लगी रहती है, इंद्रिय विषय की तरफ लगी रहती है, उनको जो है आप फ्री करके हीलिंग, शरीर के हीलिंग में और फिर आत्म साक्षात्कार में लगा सकते हैं। आगे, प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। अगर आप सही में हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं,
तो आप सही में अगर प्राणायाम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग आसन प्राणायाम करते होंगे, तो उसका मूल जो भाग होता है वो क्या होता है, ब्रीदिंग। ये याद रखना, आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, उस हरेक आसन के साथ में श्वास कैसे लेनी है वो फिक्स्ड है। अगर वैसे ही कर रहे हैं तो वो आसन सही है। कई बार हम आसन तो करते हैं लेकिन उसके साथ ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में भी आसन होता है, राइट? तो सबसे ऊपर हाथ लेके जाते तो बोले कि आपको ब्रीद इन करना है, फिर नीचे लेके आते तो ब्रीद आउट करना है, फिर तीसरे जो एक पैर पीछे रखते तो ब्रीद इन करना है, फिर ब्रीद आउट करना है, और फिर होल्ड करना है, पांचवें स्टेप पे होल्ड करना है ब्रीदिंग, छठे स्टेप पे वापस ब्रीद इन करना है, और फिर सातवें पे ब्रीद आउट, आठवें पे ब्रीद इन, नवे में ब्रीद आउट, और दसवें में ब्रीद इन। तो इस प्रकार से ये हर एक आसन के साथ में ब्रीदिंग होती है, जो कि श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। इसलिए कहा गया है प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। ये सारी विधियां, श्वास को क्यों कंट्रोल करना है, आसन क्यों करना है, तो बार बार एक ही शब्द आ रहा है, वो क्या है शब्द बताइए? इंद्रिया। इंद्रिया भी आ गया, फिर भी एक और शब्द और है जो बार बार आ रहा है, लीना पटेल माता जी और वंदना भारत माता जी साथ में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे क्या है एक शब्द जो बार बार आ रहा है। युवती, हिंदी शब्द पूछ रहा है। संयम, 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 संयम। तो क्या कहा जा रहा है कि ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। अब समझ में आया इसका उद्देश्य क्या है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इनका क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है संयमन, इंद्रियों को वश में करना। अब इंद्रियों को वश में क्यों करते हैं? कुछ बड़ी सिद्धि प्राप्त करके, मैजिक दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? नहीं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रोग्रेस करने के लिए। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, प्रश्न ये होगा कि अष्टांग योग की सारी विधियों का पालन क्यों किया जाता है? अष्टांग योग, हठ योग की विधियों का पालन क्यों किया जाता है? तो पहला इसका उत्तर है इंद्रियों को वश में करने के लिए तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए। इंद्रियों को वश में करने के लिए तथा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने के लिए। क्या कोई योगा इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है आप आइए हमारे यहां पर योगा सीखिए और अपने इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रोग्रेस कीजिए, ऐसा एडवर्टाइज होता है कभी? कोई ऐसा एडवर्टाइज नहीं करता है। ऐसा जो एडवर्टाइज करता होगा उसके यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं जाता होगा। फिट रहिए, जवान रहिए, झुर्रियों से बचिए, पूरा फैटलेस होइए, कुछ इस तरह से अट्रैक्शन वाली बात कही जाएगी और हम जाते हैं उनके यहाँ पर। तो ये आत्म साक्षात्कार में के मार्ग में प्रगति के लिए बताया गया है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। एक्चुअल में ये जो डिटेल में है, आप में से कोई योगी है थोड़ा तो मुझे बता सकते हैं, मैं तो जितना बहुत थोड़ा बहुत समझा है उससे कुछ बता सकता हूं। तो वायु की दिशा को परिवर्तित करना चाहते हैं, जो वायु नीचे की तरफ जाती है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो ऊपर की तरफ आती है उसको नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अर्थात उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जो वायु ऑटोमेटिकली ऊपर निकलना चाह रही है, जो वायु ऑटोमेटिक नीचे निकलना चाह रही है, उसके ऊपर नियंत्रण चाहते हैं, जिससे कि इंद्रिया क्या होगी, संयमित होगी। अपान वायु, आगे अब एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन है यहां पर जो कि श्लोक में यूज हुआ है। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी। समझ में आया क्या है?
अपान वायु निम्नगामी, शरीर के नीचे की तरफ वो फ्लो होती है और प्राणवायु ऊपर की तरफ फ्लो होती है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक और पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। ये प्राणायाम का अभ्यास है। आप में से ट्राई कीजिएगा, जो अपान वायु है उसको ऊपर की तरफ और जो प्राण वायु है उसको नीचे की तरफ, और उसको दोनों को बैलेंस करना, और ये सब जो है बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक विपरीत दिशा में श्वास लेने का अभ्यास करता है जब तक कि वो क्या नहीं हो जाती, पूरक समान नहीं हो जाती है। इसको जस्ट एक सरल भाषा में बताना चाहूंगा। कभी कभी देखा होगा आपने किस किस की अभी दोनों नाक चल रही है, दोनों नाक चल रही है मतलब दोनों से आप श्वास ले पा रहे हैं और दोनों से श्वास छोड़ पा रहे हैं, चल रही है दोनों नाक चलनी चाहिए मतलब बराबर, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत जा रही है, ऐसा नहीं, बराबर दोनों से सेम। मेरा अभी इससे ज्यादा जा रहा है, इससे कम जा रहा है, ऐसा मॉर्निंग में ज्यादा होता है कम। यस, मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे के आसपास और शाम को जब संध्या का समय होता है तब जो है दोनों नॉस्ट्रेल से, दोनों इस छिद्रों से समान प्रकार की, कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं अभी ऐसा हो रहा है। अगर आप अभी अभ्यास करेंगे 15-20 बार तो धीरे धीरे ये दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये अभ्यास से होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा फर्क देखेंगे, अब हाँ दोनों सांस जो है एक तरह एक जैसी हो गई है, दोनों तरफ से एक जैसा ब्रीद आउट और ब्रीद इन हो पा रहा है। तो इसको कहा जा रहा है कि जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है, अब ये थोड़ा सा आप जानते ही होंगे, तो इसे रेचक कहते हैं। रेचक क्या होता है बताइए, टोकना, कुंभक, रेचक पूछ रहे हैं अभी हम। अरे अपान वायु को रेचक बोलते हैं, रेचक नहीं, सरल भाषा में बताइए, इसमें से देख के नहीं बताना है, आपकी भाषा में बताइए रेचक क्या होता है। मूलबिंद प्रभु जी ना, ऑफरिंग द एक्सेल ब्रीड, एक्सेल बिंद निम्नगामी उद्धमुखी, किसी को मालूम हो तो बताइए ना, सब योगी बनेंगे तो कैसे चलेगा। प्रभु जी राइट साइड से जब हम ब्रीद आउट करते हैं उसको रेचक कहते हैं। जी, तो एक होता है रेचक और एक होता है पूरक। जब हम लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ते हैं तो उसको शायद रेचक बोलते हैं, जहां तक मुझे मालूम है। दूसरा, जब आप राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं, और दोनों के बीच में अगर आप कुछ समय के लिए रोकते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं। हमें राइट, कोई योगी जन है तो मैं जी प्रभु जी दैट्स कुंभक भी होता है। हाँ, तो मैं अगर गलत तो बता सकते, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मुझे ज्यादा मालूम है, इसमें मुझे नहीं मालूम है। तो एक होता है रेचक, ये रेचक हो गया जब आप लेफ्ट से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं, और राइट से लेते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक। दोनों के बीच में जब आप इसको रोकते हैं तो इसको बोलते हैं कुंभक। तो ये कहा जा रहा है, हाँ, जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, नीचे से श्वास निकाली, वैसे अधोगामी है उसको क्या किया आप, निकाला और किस में डाला, बाहर की तरफ ऊपर निकाला, तो अपान वायु को ऊपर की तरफ लेके आए तो उसको बोला जाता है रेचक। अब दूसरा जो है पूरक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। समझ में आया आपको, जब लेफ्ट से लिया या राइट से लिया उसको रोक लिया तो उसको कुंभक बोलेंगे। ठीक है, चलो यस, योगा क्लास स्टार्ट्स, इंटरनेशनल योगा डे आज ही। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, अभी जो हम अगर करेंगे तो उसको बोलते हैं प्राणायाम, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलो कुंभक करते हैं, कौन कितनी देर श्वास रोकता है, चलो चैलेंज, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। जब मैं 1, 2, 3 कहूं तब आपको पूरी श्वास ले लेनी है। 1, 2, 3 अब श्वास ले लीजिए। इतनी खतरनाक श्वास कौन ले रहा है।
रोक के रखिए। तो ये जो है लोग कह रहे हो नहीं हो पा रहा है, तो ये भक्ति योगी का प्रोसेस नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा शरीर जो है ठीक रखने के लिए प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये भक्ति योगी के अभ्यास की नहीं है कि इसको हर समय उसमें ध्यान देना है। इसलिए ये जो अष्टांग योग का प्रोसेस है, हठ योग का प्रोसेस है, भक्ति योगी के लिए प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। तो हमने देख लिया रेचक और कुंभक, आगे बढ़ते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। इस लाइन को समझ जाइए अच्छे से, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुंभक के अभ्यास द्वारा आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। 1 2 3 रिपीट। कुंभक के अभ्यास द्वारा आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। किसके लिए बोलिए? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म सिद्धि के लिए। इसके लिए नहीं कि मैं और जीऊंगा, और भोग करूंगा, और ज्यादा मूवी देखूंगा, और खाना खाऊंगा अलग अलग तरह का, और जो पिकनिक प्लेसेस विजिट करना बाकी रह गया वो कर लूंगा। नहीं, ये सब किसके लिए है? अगर लंबी उम्र भी है तो, वाह लंबी उम्र चाहता भी है तो उसके पीछे कारण है सेल्फ प्योरिफिकेशन, आत्म सिद्धि, आत्म साक्षात्कार। आगे अब इससे हमें भी एक प्रिंसिपल सीखना है। हमारे पास जो भी आयु है, छोटी है बड़ी है जितने भी हैं, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, कहानी याद आ गई थोड़ी सी, शायद पहले भी सुना चुका हूं। हरे कृष्णा, स्टोरी टाइम प्लीज। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, हरे कृष्णा। तो एक बार खटवांग महाराज, देवता और दानवों के बीच में युद्ध हो रहा था। खटवांग ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, खटवांग। तो उनको जो है देवताओं को मदद करने का आवश्यकता पड़ा। देवता और दानवों का जब युद्ध हो रहा था तो देवता जो है थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे, दानव हावी हो रहे थे। उस समय सब देवताओं ने इन खटवांग ऋषि से प्रार्थना की कि खटवांग ऋषि आप हमें मदद कीजिए, आपके पास बहुत शक्तियां हैं। तो वो खटवांग ऋषि के पास गए और खटवांग ऋषि उनको मदद करने के लिए आते हैं। खटवांग ऋषि उनकी मदद करते हैं, उनको बहुत ताकत देते हैं, वो खुद भी बहुत लड़ाई करते हैं और उन दानवों को हरा देते हैं और इस प्रकार से देवता विजयी हो जाते हैं। जब देवता विजयी हो गए तो विजयी होकर फिर लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देवता लोगों ने बोला खटवांग मुनि क्या चाहिए आपको बोलिए। तो खटवांग मुनि बोले एक दानवों से तो तुम जीत नहीं सकते और मेरे को बोलते हो क्या चाहिए, क्या मुझे, मैं आपसे क्या मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। नहीं नहीं खटवांग मुनि, आपने हमारी मदद की है, कुछ तो मांगी, हम देवताओं को कुछ तो स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ होता है, कुछ स्पेशल कार्य हम करते रहते हैं, तो कुछ तो मांगी आप। फिर खटवांग मुनि ने बोला नहीं मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने जब निवेदन किया तो खटवांग मुनि ने बोला कि कृपया करके मुझे इतना बता दो। कौन बताएगा, क्या बता दो? मेरी मृत्यु कब होगी। वाह, तो बोलते हैं अब मेरा जीवन काल कितना बचा है इतना बता दो, कितना जीवन और बचा है बस इतना बचा बता दो। तो देवता चेक करके, प्रकृति के खिलाफ जनरली किसी को बताते नहीं है, तो भी खटवांग मुनि ने मदद की थी इसलिए उनको फिर बताते हैं कि आपके जीवन में आई थिंक एक क्षण या एक मुहूर्त ऐसा कुछ कहते हैं, एक क्षण बचा हुआ है, एक क्षण या एक मुहूर्त कुछ है, तो वो जो है एक बचा हुआ है, इतना ही समय है बस। एक क्षण या एक मुहूर्त कितना कितना हो सकता है वो? जस्ट आई थिंक 3 घंटा, एक मुहूर्त 3 घंटे का,
इतना बचा हुआ बस। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि इतना सा ही समय बचा हुआ है, किसमें लग गए वो, तुरंत भगवान का नाम, जब भगवान को स्मरण करने में लग गए खटवांग मुनि। उसी तरह से राजा परीक्षित, राजा परीक्षित को भी श्राप मिला था। ये थी खटवांग मुनि की कहानी। राजा परीक्षित की कहानी मालूम है आपको, सबको मालूम है? यस और नो? भूल जाओ भूल जाओ। यस और नो, इशारे मत बोलिए। नहीं मालूम स्वाति जी, परीक्षित महाराज की कहानी तो कुछ तो बताइए, मॉनिटर की तरफ तो देखना होता है हमें फिर। तो परीक्षित महाराज अर्जुन के बेटे के बेटे हैं। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में ये अंतिम पांडवों की संतान थी और वो थे परीक्षित महाराज। और उनको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने क्या चला दिया था? ब्रह्मास्त्र। क्या चला दिया? ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र उसने पहले चलाया था जिसको फिर नलीफाई कर दिया गया था, नहीं तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाता। दूसरा जब ब्रह्मास्त्र चलाया उसने, आपको पूरी कहानी अगर मालूम होगी तो, पांचों पांडवों को मारने के हिसाब से अश्वत्थामा पहले कहां गया था? पांडवों के उस कैंप में गया था और वहां जाके उन्होंने पांडवों के पांच बेटों को मार दिया। उसको मालूम नहीं था, उसको लगा मैंने पांच पांडवों को मार दिया। और जैसे ही वो दुर्योधन को आकर के बोलता है कि मैंने पांचों पांडव को मार दिया, दुर्योधन ने बोला मूर्ख, तुमने पांच पांडवों के बेटों को मारा है। तब अश्वत्थामा बहुत गुस्सा होता है, मैं सोचता है अब मैं पांडवों में जो है वंश को ही नाश कर दूंगा। तब ये अश्वत्थामा जो है एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं उत्तरा के गर्भ में। सोचिए पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है कि जब बच्चा मां के गर्भ में है तो उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, अंतिम संतान है बोले पांडवों की। तब ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया तब उत्तरा ने जोर से भगवान को याद किया, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे केशव, हे मुरारे, हे दीन बंधु। जैसे ही उत्तरा ने बुलाया भगवान कृष्ण को तो स्वयं कृष्ण वहां पर प्रकट थे और भगवान कृष्ण वहां पर आए और भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उस परीक्षित को, उस बालक को, उस बच्चे को बचाने के लिए क्या किया? मां के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान बाहर भी खड़े हैं और अंदर भी खड़े हैं, ये भगवान की मान्यता है। अंदर जाके ब्रह्मास्त्र से उस परीक्षित की रक्षा कर ली और परीक्षित को बचा लिया। उसका नाम थोड़ा सा डस्ट हो गया। तो उसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो जन्म लिया तब उसने क्या किया था? बाहर आकर के प्रश्न पूछना शुरू किया था। क्या? कि मैंने जो गर्भ में देखा था वो ये है क्या? वो ये है क्या? वो ये है क्या? परीक्षण करना शुरू किया, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था। तो ये जो है राजा परीक्षित की बात है। और परीक्षित महाराज की अगर बात करें तो वो एक रसगुल्ले के समान है। किसके बराबर बोलिए? उनका जीवन रसगुल्ले के समान। रसगुल्ले को अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो आपका हाथ में क्या आ जाएगी? चाशनी। रसगुल्ले को आप स्क्वीज करोगे तो आपके हाथ में क्या आ जाएगी? चाशनी। रसगुल्ले को आप कहीं पे शर्ट पैंट के आसपास कहीं टच करा दोगे तो क्या आ जाएगी? चाशनी। रसगुल्ले को आप मुंह में डालोगे तो क्या आ जाएगी? चाशनी। किधर से भी उसको पकड़ो, टच करो, उसको स्क्वीज करो, क्या निकलता है? चाशनी। ऐसे परीक्षित महाराज के जीवन काल में अगर आप किधर से भी समझो तो क्या आती है? भागवत। क्या आती है? कृष्ण कथा। जन्म हुआ मां के गर्भ में कृष्ण को देख लिया। ऐसा कोई है क्या आज तक दुनिया में? लोग योगी, महान तपस्वी, भक्त, बड़े बड़े बनने की कोशिश क्यों? कि किसी दिन भगवान का दर्शन हो जाए। अरे भाई साहब, ये तो कितने बड़े फॉर्चुनेट है, गर्भ में दर्शन करके आए हैं, डायरेक्ट जन्म ही ऐसे ही हुआ इनका। तो ये राजा परीक्षित। मगर ये इनके जन्म की बात करें तो कृष्ण है, मृत्यु की बात करें तो पूरी भागवत कथा है, भागवत पुराण है। तो जब राजा परीक्षित जंगल में गए थे और शिकार करने के लिए गए हुए थे तो वहां पर एक कली पुरुष था। कली पुरुष जो था वो एक गाय और बैल को वो मार रहा था पैरों के ऊपर। बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूं। परीक्षित महाराज ने बोला मेरे राज्य में तुम गाय और बैल को नहीं मार सकते।
गाय जो है धरती को रिप्रेजेंट कर रही थी, याद रखना इस बात को, गाय धरती को रिप्रेजेंट कर रही थी और बैल जो है धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उनको दोनों के पैरों को मार रहे थे, गाय धरती को, भूमि को, और बैल धर्म को। तब परीक्षित महाराज ने बोला मेरे राज्य में तुम नहीं कर सकते ये सब। तब वो बहस करता है ये कली पुरुष कहता है नहीं मैं तो प्रवेश करूंगा आपके राज्य में, कहीं ना कहीं मुझे जगह देनी होगी, ये तो विधि का विधान है कि सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग के बाद कलयुग आता है, तो मेरा टाइम भी आ गया है, मुझे एंट्री दीजिए आप। तब राजा परीक्षित बोलते तुम चार चीजों में चले जाओ, कहां पर, मांसाहार, नशा, अवैध संबंध और जुआ, इन सब चले जाओ। तो परीक्षित महाराज के कहने पर ये जो कली है उनके पूरे राज्य में घूम के आता है, चक्कर लगा लगा के चेक करता है कि ये चार चीजें है कहां पर, वो ढूंढता है, उसको बिल्कुल नहीं मिलती है, बहुत कम, एकदम 0.0001% मिलती है उनके राज्य में ये चीजें। चक्कर लगा के आता है, बोले स्वाभिज महाराज आपने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, चार चीजें भी दे दी लेकिन ये तो होती नहीं आपके राज्य में, और आपने बोला कि चार चीजों में बैठ जाओ, कुछ और भी दीजिए आप। तब जो है परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि तुम सोने में भी बैठ जाओ, सोना मीन्स गोल्ड, गोल्ड में जाके बैठ जाओ। तब वो जो है इस गोल्ड धन जो संपत्ति है धन के अंदर है वो आके बैठ जाता है। इस कारण से क्या होता है धन के लिए कलह, कलह कलयुग का मतलब क्या होता है, कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग। तो उस धन के अंदर सोने के अंदर क्या बैठा हुआ है, कली पुरुष बैठा हुआ। अब वो तुरंत कली पुरुष कहां जाके बैठ गया, राजा परीक्षित के सर पे लगे हुए सोने के मुकुट में बैठ गया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर ही, जैसे वो भस्मासुर था, भस्मासुर ने क्या किया था, सबसे पहले शिवजी को भस्म करेंगे, तो उसी तरह से उनके ऊपर जाके बैठ गया। अब परीक्षित महाराज फिर कभी थोड़े समय बाद जो है जंगल में निकले हुए थे और उनको प्यास लगी बहुत ज्यादा, तो वो किसी ऋषि की झोपड़ी के पास जाते हैं और ऋषि का नाम होता है समीक ऋषि। वो समीक ऋषि की झोपड़ी के पास जाते और बोलते हैं कि मुझे पानी दो, और समीक ऋषि क्या कर रहे थे मालूम है, समाधि में बैठे हुए थे, पूरा उनका ध्यान फिक्स हो गया था, आउटर वर्ल्ड से उनको कोई मतलब नहीं था, इंटरनली वो कनेक्टेड थे समीक मुनि। अब वो राजा आकर के बोल रहे पानी दो पानी दो पानी दो, पर उनको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कोई क्या बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनको। तो समीक ऋषि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वो जो है वहीं पे बैठे रहे, और उसके बाद में राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, कैसा ऋषि है ये, मैं नरदेव परीक्षित आया हूं जिसकी वजह से ये साधु लोग सुरक्षित हैं मेरी वजह से, और मुझे ये सम्मान नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। तब जो है वहां पर एक मरा हुआ क्या पड़ा था, सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। ये वाले एक्शन तो सब अच्छे से करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो मरा हुआ सांप जो है उनके गले में डाल देता है, समीक ऋषि के गले में। राजा परीक्षित कभी भी ऐसा नहीं करते, क्यों किया बोलिए उन्होंने ऐसा, क्योंकि उसके कली बैठा हुआ था, कली बैठा हुआ था, कली पुरुष, तो उन्होंने ऐसा किया। अब वो वहां से निकल गए, इतने में तो भाग दौड़ के उनका बेटा जो है नदी के आसपास था, वहां पर उनका जो एक समीक ऋषि से छोटा बच्चा जाता है और जाकर के उसके बेटे को बोल देता है तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप डाल दिया है। उस समीक ऋषि के बेटे का नाम था, कौन बताएगा, समीक ऋषि के बेटे का नाम श्रृंगी, किसने बताया, श्रृंगी ऋषि उनका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि जिसके सिंह आ गए थे बाद में, तो श्रृंगी ऋषि जो है वो छोटा बालक के रूप में हाथ में पानी लिया तुरंत और बोलता है जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सांप डालकर उनका अपमान किया है उनकी 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। बहुत बड़ा जैसे होता ना मूवीज में श्राप लग गया उनको, तो राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि उनको श्राप मिला है। आपकी जानकारी के लिए अगर राजा परीक्षित चाहते तो उस श्राप को काउंटरेक्ट कर सकते थे, उसका श्राप को जीरो कर सकते थे अगर राजा परीक्षित चाहते। वो श्रृंगी जो है अपने पिताजी के पास जाता है समीक ऋषि के पास, पिताजी ये किसने किया आपके साथ, क्या हो गया,
वो जब ध्यान से समाधि से उठते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है। समीक ऋषि को बहुत बुरा लगा कि क्यों तुमने ऐसा कर दिया, एक बहुत ईमानदार सच्चे राजा को श्राप दे दिया तुमने, क्या गलती की उसने, एक मरा हुआ सांप ही तो डाला, मैंने भी उसकी बात नहीं सुनी थी, मैंने भी उसको पानी नहीं दिया था, इसके लिए तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी उनको, जाओ तुम माफी मांगो और अपना श्राप वापस ले लो। बट राजा परीक्षित ने क्या कर चुके थे, वो श्राप को स्वीकार कर चुके थे और राजा परीक्षित ने अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना राज्य सब कुछ छोड़ दिया और कहां पर आ गए, गंगा नदी के किनारे। और वहां आकर के वो ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, मदद कीजिए, मैं क्या करूं कि मैं मेरे मानव जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकूं। तभी ऋषि मुनि लोग कोई भी नहीं जवाब दे पाता है कि 7 दिन में ऐसा क्या करेंगे। तो वहां पर कौन आते हैं, सुखदेव जी, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब वहां आते हैं तो उनसे वो प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी उनको क्या सुनाते हैं, श्रीमद भागवत पुराण उनको सुनाते हैं और अंत में तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु तो जरूर होती है। देखो ये बात सीखने की है, आप ये मत सोचना कि शरीर में कष्ट नहीं आएगा, समस्या नहीं होगी। परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी, अंत में तक्षक नाग आया, उन्होंने उनको अपनी अग्नि के द्वारा, तक्षक नाग कैसा था मालूम है, फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप, ऐसे भी सांप होते हैं, तो उन्होंने आकर के उनको अपनी अग्नि से जला दिया था। पर परीक्षित महाराज किसमें स्थित थे, कृष्ण भावनामृत में स्थित थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण के धाम चले गए। ये जो है परीक्षित महाराज की कथा थी, उससे पहले थी हमारे खटवांग ऋषि की, जिनको थोड़ा सा समय मिला और उसका उपयोग किसमें किया उन्होंने, कृष्ण भावनामृत में। हम लोगों को अगर बोला जाए आपके पास बस, अदरवाइज मत लीजिएगा, प्रभु तो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, नहीं, जस्ट कुछ भी समझने के लिए कि 5 दिन है अपने पास, हम क्या करेंगे, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इसको ऐसे करना था, वो ऐसे लिखना था, वो ऐसे करना था, विल लिखनी थी, ऐसे करनी थी, उसमें अपना समय चला जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहते हैं, बस एक जीवन बहुत है, इसमें मैं भक्ति करूंगा और भगवान के धाम जाऊंगा, दूसरा जीवन नहीं चाहिए मुझे, इस दुनिया में नहीं आना दोबारा से। दुनिया के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पर मैंने उसको दुख को सू पढ़ लिया, मैंने तो लिखा हुआ था दुखालय, मैंने सू पढ़ लिया सुखालय और यहां आ गया, गड़बड़ हो गया है तो मेरे साथ में। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो है ध्यान रखेंगे कि बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, अर्थात वो भगवान के धाम जाने का इच्छुक रहता है, वो दूसरे जीवन काल की प्रतीक्षा नहीं करता। बुद्धिमान योगी का क्या लक्षण है, आपका प्रश्न आएगा, बुद्धिमान योगी का क्या लक्षण है, ठीक है, बुद्धिमान योगी का क्या लक्षण है। नेक्स्ट, कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेकों वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, समझ गया ना कुंभक का, अच्छा नहीं लिखा प्रश्न, वापस बोलता हूं, बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में क्या प्रश्न लिखा है, बुद्धिमान योगी का लक्षण क्या है। हाँ, बुद्धिमान योगी के लक्षण क्या है, तो एक ही जीवन काल में भगवान के धाम जाना चाहता है, दोबारा यहां पर नहीं आना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट, कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। अब कंपैरिजन बताया है, क्या कंपैरिजन है, एक अष्टांग योगी क्या करता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, अपान, प्राण, उदान, समान, व्यान, कुंभक, रेचक, पूरक, ये सब करता रहता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है,
किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। जब कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हो तो ऑटोमेटिक हम इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। इशारा करके बताइए, थोड़ा थोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, चालू हुआ कि नहीं हुआ, सब लोगों को बताना पड़ेगा। तो थोड़ा 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 इंद्रिय निग्रह चालू हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, कौन है भैया? यस, तो ये इंद्रिय जो जैसे कि हम किधर भी खा लेते थे, किधर भी चले जाते थे, कुछ भी सुन लेते थे, कुछ भी देख लेते थे, एटलीस्ट वो तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। हरे कृष्ण, उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। ये कितना इंपॉर्टेंट बात कही है। अभी हमारे साथ तो उल्टा है, क्या चल रहा है अभी उल्टा? प्रभु जी बिजी है बहुत, कहां से चैंटिंग करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है? जस्ट इसका उल्टा। उल्टा क्या है आशिता जी, बोलिए यहाँ क्या बताया जा रहा है? कि कृष्ण भावना अमृत में जो व्यक्ति है वो इतना उसमें उलझ गया होता है कि उसको दूसरी चीजें करने के लिए टाइम नहीं होता। यस, कृष्ण भावना अमृत में इतना व्यस्त है कि उसको माया के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसा हमारा जीवन काल होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं 24 आवर्स एंगेजमेंट देते हैं हम कृष्ण भावना अमृत में, 24 आवर्स भी कम पड़ते, 25 आवर्स चाहिए, तो उसको फिर टाइम कहां मिलेगा दूसरी चीजों के लिए। और जो सही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वही ऐसा अभ्यास कर पाता है। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। भक्त लोग बड़ा जीवन नहीं चाहते हैं। भक्त लोग कौन सा जीवन चाहते हैं? जितना भी जीवन है वो कैसा चाहते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर चाहते हैं। राजा परीक्षित चाहते तो अपना बड़ा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने जो जीवन था उसी को स्वीकार किया और कृष्ण भावना अमृत में स्थित हुए, भागवत का श्रवण किया और भगवान के धाम चले गए। तो इसलिए लिखा गया है फल तो जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, दीर्घायु लंबी आयु बनने की कोशिश नहीं करता। जनरली माँ बाप पिताजी दादाजी क्या आशीर्वाद देते रहते हैं? दूधो नाओ पूतो फलो दीर्घायु चिरंजीवी क्या क्या बोलते रहते हैं। चिरंजीवी 100 साल जीने को तो बोल ही देते हैं। वो कौन सा बर्थडे का गाना आता है ना, बार बार ये दिन जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। अरे भैया इतना जी करके क्या करेंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। अगर आप भी किसी को कल से आशीर्वाद दोगे तो क्या दोगे? कृष्ण भावना भावित अस्तु, कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भावना भावित भव भव, बहुत सुंदर, कृष्ण भावना भावित हो, अध्यात्म में बढ़ो, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा आशीर्वाद देने की कोशिश करनी चाहिए। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है। बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर लीजिएगा, इस श्लोक को याद रख लीजिएगा, एकमात्र इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक, हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऑल टुगेदर साथ में बोलिए, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है
वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। प्रकृति के गुणों को कौन लांगता है बोलिए, जो कृष्ण भावना भावत में स्थित है वो दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। अब जल्दी से बताइए कि ऐसा का ऐसा एक और श्लोक मैंने बताया है इंपॉर्टेंट और बार बार उसको याद करते हैं, माया को कैसे पार पा सकते हैं, माया से कैसे पार हुआ जा सकता है, कौन सा श्लोक है जल्दी से बताइए। नए डिवोटीज, शाम वाले क्लास वाले नहीं, जो कि दोपहर वाले क्लास है उन डिवोटीज को बताना है, कौन सा श्लोक है जो ये बोलता है माया को पार पाना है और माया को कैसे पार पाया जा सकता है। दोपहर वाली क्लास के डिवोटीज, नॉट शाम वाली क्लास के डिवोटीज। प्रभु जी मम माया दुरत्याय। क्या बात है माता जी, कैसे याद है आपको बताइए। मेरी मम्मी का नाम भी माया ही है। तो हमको याद कैसे है ये श्लोक। प्रभु जी दो रास्ते रहते हैं, या तो माया को चूज कर लो, जो कि ये श्लोक कैसे याद रहा, मम माया दुरत्याय ये पूछ रहे हैं। वो पता नहीं कैसे आ गया। 7.14 देवी है ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। देवी ये मेरी देवी है, मेरी शक्ति है। कौन से वाली है, तीन गुणों वाली है, मम माया मेरी माया है, दुरत्या इसको पार करना बहुत कठिन है। क्या करेंगे तो पार कर सकते हैं, मामे भी ये प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ, माया मिताम तरंति ते, तो अब इस माया को आप पार कर सकते हो। यही कहा जा रहा है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है और प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो कौन सी भक्ति करनी है, माम च अव्यभिचारेण, इस शब्द को याद करना। अव्यभिचारेण मतलब प्योर प्योर भक्ति करनी है। भक्ति योगेन सेवते, भगवान की सेवा करता है भक्ति के द्वारा। आगे तात्पर्य की दो तीन लाइन और बची है, बस इतना सही कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। समझ में आया क्या कहा है यहां पर। एक योगी तो कहां से शुरू करता है, राइट, और कहां तक पहुंचता है, परमात्मा के दर्शन तक पहुंचता है। लेकिन भक्ति योगी कहां से शुरू करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू ही कहां से करता है, कृष्ण भावनामृत से शुरू करता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और वह अंततः भगवत धाम को जाता है। शुरू कहां से करता है, कृष्ण भावनामृत से। जीवन भर क्या करता रहता है, कृष्ण भावनामृत में। अंत में मृत्यु आती है तो कहां जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। ये कहां पर कहा गया है कि जो अंत में भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के धाम जाता है। दोपहर वाली क्लास वाले भक्त लोग बताएंगे, जो अंत में भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के धाम जाता है, ये कहां कहा गया है। काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेरम यम 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 वापि स्मरण भावम। क्या क्या आप क्या पहले से कुछ क्लास अटेंड करते हैं क्या, इस्कॉन की ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं प्रभु जी, थोड़ा बहुत है इस्कॉन से जुड़ी हूँ थोड़ा, लेकिन हाँ। ये थोड़ा 8.5 आठवें अध्याय का पांचवा श्लोक बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। माइक म्यूट कर दीजिए। उससे पहले का श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम 8.5। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है यह प्रयाति, और इस प्रकार से मदभावम, वो मेरे भाव को क्या करता है, मदभावम मेरे भाव को प्राप्त होता है। नास्ति अस्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है अंत काल में जो स्मरण करता है। और ये की बात कहां कही गई है, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में। जल्दी से खोलिए दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, ऐशा ब्राह्मी स्थिते पार्थ, श्लोक संख्या 72।
एसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमोहयति अस्तित्वास्यांत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। बहुत सुंदर। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? स्वतः ही कृष्ण भावनामृत में प्रसाद पाने से कम खाने की आदत तो पड़ जाती है। ओनली क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं। बाहर का कुछ खाते हैं? नहीं खाते। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं। आज भी एक माताजी से बात हो रही थी तो माताजी कह रहे थे, प्रभु जी बाहर कुछ खाना होगा आपको, कुछ तो आपको कभी इच्छा होती होगी, कुछ खाना, कुछ लेना, कुछ करना। सिंपल है, प्रसादम एक्सेप्ट, नो प्रसादम रिजेक्ट, सिंपल प्रिंसिपल है। तो प्रसादम अगर खाते हैं तो ऑटोमेटिकली खाने की आदत पे तो क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो ये बात क्यों बोली गई है? क्योंकि श्लोक में कहा गया है, अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में आहुति देते हैं। ठीक है, प्राण मतलब है शक्ति, शक्ति की उस प्राण में, प्राणवायु में आहुति देते हैं। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। भव बंधन से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय निग्रह तो करना पड़ेगा, सेंस कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इसलिए सेंस कंट्रोल की शुरुआत कहां से होती है? अल्पाहार करने से, भोजन यहाँ से शुरुआत होती है, जीवा से, सेवन मुखी ही जीवा दो। जब ये जो है ना, ये 32 राक्षसों के बीच में रहने वाली ये स्लिपरी टंग किधर से भी फिसल के भी कुधर भी स्वाद देने की किधर भी चली जाती है। 32 दुश्मनों के साथ में रहती है, कभी भी एक भी दबा दिया तो खून आने लग जाता है, राइट? ऐसी ये फिर भी इनके बीच में भी रहकर की बहुत ज्यादा कैसी है, ये चंचल है, किधर से भी मुड़कर भी कैसा भी उसको स्वाद चाहिए और उसके चक्कर में व्यक्ति इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता। तो सबसे पहला जो निग्रह है वो किसका है? जीभ का। तो भोजन जो खाने का निग्रह, उस प्रकार अगर हम इंद्रिय निग्रह जीवा से शुरू करते हैं तो अन्य निग्रह, अन्य जो शरीर के अंग हैं उनमें भी हम निग्रह कर पाएंगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, कई बार जैसे बोलते हैं कि प्रभु जी रात को मेरे साथ ऐसा हो गया या मुझे ऐसा सपना आ गया या ऐसा हो गया, उसका कारण क्या? मुझे तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो भी ऐसा क्यों हो गया? तो उसका कारण क्या होता है? जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही भोजन शरीर के अंदर वातावरण क्रिएट करता है और वैसे वातावरण के मन में ऐसा ही सपना आता है और ऐसा ही सपना आता है तो उसी तरह से मन में कुछ, शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ हो जाता है। तो ये जो है भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, आइए अब हम सब लोग मिलके महामंत्र का जप करते हैं। कुंभक रेचक पूरक तो हमारे से हो नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हो उतना किया कीजिए जिससे कि आप जो है अच्छे से नाम जप कर सके, अपना शरीर जो ये मशीन है उसको आप ठीक रख सके, और शरीर ठीक रहेगा, मशीन ठीक रहेगी तो क्या हो पाएगा? भगवान का नाम अच्छा हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले शरीर को भी अच्छा रखने की आवश्यकता है। अपनी अपनी जप माला ले लीजिए, जाप करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक कुमार जी से कि वो चैंटिंग कराएंगे आप सबको। यस अभिषेक जी।